नमस्कार मैं उदय प्रताप सिंह आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स और आज हमारे संग जुड़ रहे हैं वो फिल्म की टीम जो इस स्वतंत्रता दिवस आ रही है आपके सिनेमा घरों में जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ वेटेड फिल्म वेदा की टीम के बारे में बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक शर्भरी एंड निखिल आप सबका थैंक यू सो मच पहले तो शुरुआत करते हैं निखिल जी आपसे क्या कहीं ना कहीं उम्मीद हार रहे थे कि शायद ये फिफ्टी अगस्त डेट ना रख पाए आप दर्शकों के संग क्या मन में चल रहा था हमने वो पोस्ट पढ़ा आपकी भावनाओं से हम भी यू नो you know, फील कर रहे थे आपके लिए क्या चल रहा था मन में तब मतलब थोड़ा टेंशन तो था स्ट्रेस था कि मतलब आठ हफ्ते पहले हमने अप्लाई किया था क्योंकि हमें पता था कि हार्ड हिटिंग फिल्म है थोड़ी मतलब थोड़ा बहुत चर्चा चर्चे वाली फिल्में हैं मतलब लग तो रहा है कि बहुत बड़ी एक्शन वाली फिल्म है बहुत मेन स्ट्रीम कमर्शियल वाली फिल्म है एट इज़ हार्ड इट हैज़ अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट स्टोरी तो आ, आ, मुझे पता था कि मतलब थोड़ा बहुत चर्चा होगा सेंसर बोर्ड पे सेंसर बट बट इवेंचुअली जब उन्होंने देखा आ, हमें समझ मुझे समझ में आया क्यों डिले हो रहे थे क्योंकि डिले हो रहा था क्योंकि देवर एक्चुअली देवोर एक्चुअली पुटिंग टुगेदर अ ग्रुप ऑफ पीपल जो जब जो देखेंगे उनको समझ में आएगा कि ये फिल्म क्यों फिल्म का सब्जेक्ट क्या है फिल्म क्यों बन बनी है उसका महत्व क्या है So uh, eventually everything worked out, but yeah, it was a little stressful. It was stressful, but you believe lessons be there for everyone concerned. I think and the lesson us? is basically, I think the lesson basically is that you need to follow protocol. Okay. that is the thing. Right now they do say that uh, you have to apply eight weeks before. Mm -hmm.

वाकई में बहुत ही अलग अवतार है आपका जो हम देख रहे हैं फिल्म में अब तक ट्रेलर में भाषा यू नो परफेक्ट करने के लिए कितना समय आपके लिए लगा मैं ये तो पहला सवाल पूछूंगा क्योंकि आपकी भाषा वाकई में चमक रही है बट इट्स मस्ट ऑफ एफर्ट यस एक्चुअली हमने जब uh, हमने जब स्टार्ट किया था यू uh, नो you know, हमारा जो एक रीडिंग प्रोसेस होता hmm. है uh, तब मुझे रियलाइज़ हुआ था कि uh, अगर मैं भाषा सही से uh, मैं सही से नहीं बोल पाऊँगी hmm. तो ये अधूरा रह जाएगा ये मुझे सबसे पहले फर्स्ट थिंग पता चल गई थी इसीलिए मैंने तब भी निखिल सर ने एक्चुअली महादेव हमारे जो डायलैक्ट कोच है निखिल सर ने एक्चुअली उनका एक प्ले देखा था वहाँ से उन्होंने महादेव से बात करके एक वर्कशॉप्स मेरे साथ स्टार्ट की थी महादेव खुद राजस्थान से हैं और मैंने मतलब मैंने जब फर्स्ट डे स्टार्ट किया था मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं मराठी साउंड कर रही हूँ mm. क्योंकि आई थिंक आप जब कुछ ट्राई करने जाते हो तो आपके दिमाग में आपकी जो नेचुरल लैंग्वेज है mm. वो वैसे आप सबसे पहले आप उसमें चले जाते हो mm. तो मुझे लग रहा था कि मैं कैसे ट्रांजेशन करूँ अब तो मेरी हिंदी भी मराठी हो रही है hmm. अब यू नो मिक्सचर हो रहा था यू नो एट पॉइंट्स मैंने uh, महाराज के जो गुजराती की थी एट सम पॉइंट मुझे वो भी ऐसे फीलिंग आ रही थी कि ओ माय गॉड क्या मैं गुजराती साउंड hmm. कर रही हूँ तो एक्चुअली एट वन पॉइंट एक बहुत भेल <laughs> हो चुकी थी उसमें एंड आई रिमेंबर बाकी सारे जो uh, uh, बाकी सारे जो एक्टर्स hmm. हैं uh, उनके साथ भी वर्कशॉप्स होना स्टार्ट हुआ था जब hmm. जो मेरी फैमिली प्ले कर रही है एंड उनको इमीडिएटली आ गया था hmm. तो रीडिंग्स में सडनली बाकी सबको आ रहा था बट मैं कॉन्स्टेंटली अपने आप को डाउट कर रही थी बट महादेव जो है उन्होंने एक्चुअली uh, मुझे वो कॉन्फिडेंस बिल्ड किया उन्होंने मुझे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज़ देखने को कहे म्यूज़िक uh, एक्चुअली हम लोगों ने काफ़ी शेयर किया एक दूसरे के साथ कि क्या ये करेक्ट म्यूज़िक hmm. है वो करेक्ट म्यूज़िक है बहुत सारे फोक म्यूजिक्स hmm. uh, uh, मैंने कॉन्स्टेंटली मैं सुन रही थी hmm. इवन uh, मैं अगर रेडी हो रही हूँ मैं गाड़ी में हूँ मैं कॉन्स्टेंटली वही भाषा सुन रही थी hmm. एंड uh, सुनते सुनते आई थिंक वो एक दिन ना हो गया आई वुड से फर्स्ट टाइम जब मैं रीडिंग करने के लिए बैठी और मुझे वो आपकी इमीडिएट लैंग्वेज नहीं है बट आई रियली वॉन्टेड टू बी सो गुड एट इट दैट ऐसा नहीं कि ये डायलॉग है तो सिर्फ मैं यही डायलॉग बोल पाऊंगी hmm. मुझे एटलीस्ट इतना ये होना, uh, जानना था कि मैं कैसे सोच पाऊ ऐसे नहीं है कि मैं राजस्थानी में सोच सकती हूँ बट एटलीस्ट मैं कुछ कुछ शब्द आ, कर सकती हूँ ताकि ऐसा ना हो कि अच्छा मैं इसी दायरे में अटक गई सो so, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि मैं उस भाषा में सोचना स्टार्ट देन जस्ट कि मैं अच्छा राजस्थानी मैंने ये मग अप कर लिया अब मैं इतना ही बोल सकती हूँ ये इससे मुझे आगे जाना था बट अफकोर्स महादेव हमारे साथ सेट पे भी थे और वहाँ पे भी मैंने उनका उनका सपोर्ट लिया है मैं भी काफी ट्रैवल कर रहा में तुम मैं तो कह सकता हूँ लहजा आपने बिल्कुल परफेक्ट कर लिया है मगर लहजा मास्टर से भी बात कर लेते हैं <laughs> इतने लहजा अपनाए हैं आपके लिए जी मतलब लहजे की बात करें तो आई थिंक महादेव जो हमारे डायरेक्ट कोच थे उन्होंने पहले ही दिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बोली थी कि राजस्थानी भाषा जो है वो ऊँट की चाल जैसी है Uh, और कहीं कही ना कहीं बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं हरियाणवी और राजस्थानी और और, लैंग्वेज में तो वो जो एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो उसने सुर दिया था उससे आई थिंक सारी चीज़ें इजी हो गई मैं पला बड़ा दिल्ली में हूँ नॉर्थ में रहा हूँ पिताजी फौज में थे तो अलग अलग लोगों के साथ इंट्रैक्शन रहा है तो एक तरह की साउंड मुझे हमेशा अलग अलग लोगों का पकड़ना पसंद भी है लाइफ में भी जब मैं बात करता हूँ तो वो आई थिंक उस तरह का एक चलता रहा मामला और कुछ दिन बाद महादेव ने बोला कि हाँ भी आप सही रास्ते पे हो वी कैन डू द रीडिंग एंड वी डिड द रीडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम एंड इट वाज ओके सो दिस वाज द इजी पार्ट आई थिंक मोर इम्पोर्टेंटली जब बिना स्क्रिप्ट पढ़ी थी mm. तभी मुझे पता था कि ये 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 डेफिनेटली मतलब आई डोंट नो मतलब ऐसा बोलते हैं बट आई फील इट्स वन ऑफ द करियर डिफाइनिंग या यू you नो know, एक एक्टर की जिंदगी में कुछ रोल्स होते हैं जो हमेशा यू एव बिन वेटिंग फॉर दैट यू नो आप वेट करते हो आप इंतजार करते हो yeah. कि यार ये किसी दिन मुझे इस तरह का कोई किरदार करने को मिले yeah. और कोई मुझे देखे yeah. उस किरदार में एंड एंड ही सॉ मी इन दैट यू नो दैट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो फर्स्ट हर्डल uh, जो है वहाँ पे क्रॉस हुआ एंड देन ऑफकोर्स फॉर मी इट वॉज लाइक आई आई एंजॉय एवरी डे ऑफ शूट और मैं मतलब रोज़ जब शूट पर आता था तो मैं एक्साइटेड होता था इनफैक्ट मैं बहुत कम सेट छोड़ के जाता था अच्छा क्योंकि मुझे बस वो दे, देखने में बड़ा मज़ा आता था कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं इतने अलग अलग बहुत सारे अलग अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं सारे मतलब जिसमें उनको बहुत सालों से जानता हूँ स्टॉलवर्ड्स हैं थिएटर के और अलग अलग जगहों में तो मतलब उनको देखना तो वो क्या होता था कि एक दुनिया से कनेक्ट हो जाता था मैं

अभिषेक ने बहुत अच्छा एक्शन किया बहुत ही <laughs> दमदार नेगेटिव अवतार में दिखे हैं तो क्या लगता है आपको एक्शन हीरो एक बंगाली country. बच्चे के लिए ना ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट <laughs> है क्योंकि बंगालियों को बहुत बुली करते हैं लोग <laughs> यही मतलब यू नो एंड एंड सो ऑल माय नॉर्थ

And हम 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 लोग बात कर रहे थे लेट्स डू समथिंग लेट्स डू समथिंग लेट्स डू समथिंग सो या सो आई थिंक दैट ही मेक्स विदाउट इन एन एक्शन फिल्म इफ द इफ द नेगेटिव कैरेक्टर इज नॉट स्ट्रांग फिर वो इज नॉट थ्रेटनिंग इनफ बिल्कुल देन देयर इज नो विक्ट्री या ट्रू अभिषेक और इज इट द अदर वे अराउंड कि हीरो दमदार हो तो विलन में को भी मजा आता है नहीं नहीं आई मीन आई आई फील हीरो विलन की बात नहीं बट आई ऑलवेज फील दैट एंटागनिस्ट आई थिंक हमेशा ज्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं डेफिनेटली उनको आई थिंक राइटर्स भी बहुत मजे से लिखते हैं mm. और वो वो मजा जो है हम एक्टर्स को मिल जाता है उन उसको करने का mm. और जिस तरह का किरदार लिखा हुआ था चेतन भगत सिंह आई थिंक सर ने भी चीज बोली कि इट्स अबाउट पावर एक्शन इज आल्सो अबाउट पावर लाइक हाउ मच पावर कैन यू

Uh, क्या आप ऐसे रोल्स को चुन रही हैं जो अलग है एक दूसरे से या फिर ये मेकर्स uh, का बिलीफ है आप में कि वो अलग अंदाज में शर्वरी को देख रहे हैं और आप बरखूबी से निभा रहे हैं आई थिंक दोनों का मिक्सचर है मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं जब भी भी बड़े पर्दे पर आऊँ या जब भी कोई मेरा काम देखे तब वो सरप्राइज हो जाए कि वो अच्छा ये शर ये भी कर सकती है या ये हो सकता है या हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था सो so, ये हमेशा से मेरा थॉट प्रोसेस रहा है इसीलिए मैं हमेशा चाहती थी कि मैं अलग अलग किरदार करूँ ऑफकोर्स ये चाहना एक चीज़ होती है और फिर डायरेक्टर्स को आप में बिलीव करना एक कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ होती है आपने जैसे कहा कि आई थिंक वेदा veda uh, had come to me at, at at the time when i really needed this film mm -hmm. the most and uh, uh, why i chose this film was because firstly i think the film chose me mm -hmm. because um, it's 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 really the first time that i really feel that my character is so fleshed out you mm -hmm. know it's the first time that i have my character has the, these many complexities mm -hmm. uh, the way it's written it's one of the best written characters mm -hmm. uh, a director like nikhil advani is going to then direct this mm -hmm. character is mind boggling you know so for me as an actor it was uh, it was a dream come mm -hmm. true you can't ask for anything more i mean the fact that nikhil sir believed in me to uh, to uh, play a titular mm -hmm. role when nothing had released you know it's not i know that munja is released now mm. but uh, when he gave me this i had no releases i didn't have munja i didn't have maharaj i had Bunti babli and that was three years almost two oh, years God. ago so at that time i was i, I think I, I was craving someone's mm. belief other than myself <laughs> you know and 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 I you can only hold on to your own belief for that mm -hmm. that long and I had it but it's always empowered when someone has some like a director like Nikhil Advani mm -hmm. comes to you and says that you know what I believe you can do this mm -hmm. part for me I was empowered that day mm -hmm. you know and for me that's just been my journey of Veda it is just too special for me because it just changed my course of life life. be success. <laughs> जब मुंजिया चलती है बॉक्स ऑफिस पे और जब महाराज को भी लोग बहुत पसंद करते हैं तो डज इट वैलिडेट देन जो आपके मन में चल रहा था उस समय जी भी? बिल्कुल बिकॉज तभी मुंजिया भी आ, आ, मैंने आ, जब की थी तब कहानी बहुत फन और इंटरेस्टिंग थी आई uh, थिंक और अलग थी कि चल भी सकती, सकती है नहीं भी चल सकती हमने depends. कभी वो सीजीआई uh, एक्टर देखा ही नहीं था हाँ। शूट करते समय भी इट वाज रियली जस्ट we just believed in it mm -hmm. and that's what you need that's the belief mm -hmm. actors directors the team you just have to believe in the story that you're making mm -hmm. you know and we had believed in it and even at that time i think uh, like Munja was a complete underdog. Nobody mm -hmm. had, uh, some people didn't even know about the film. Forget had expectations mm -hmm. of that film. Uh, so I feel that uh, with every film, it has just given me a lot this mm -hmm. year, and I'm just grateful to be in the place that I am. And yes, it validates me. Uh, but what it does mainly for me is it allows me to get more work, mm -hmm. and and that is very important sure. for my survival. It's very important that people appreciate my work so that I can get more work. Absolutely, uh, Nikhil, your belief to so clear, and your के बारे में एक्टर्स ने भी चर्चा <laughs> की है मगर क्या बेटर रहता अगर क्लैश ना होता आई नो आप कहेंगे कि फिल्म फिल्में हैं सब ऑडियंसेज आएंगे मगर क्या बेटर होता इस क्लैश इज वर्क फॉर मी फिफ्टीन अगस्त इज वर्क फॉर मी आई कई दिन सत्य में भी जयते जब गोल्ड था बाटला तब मिशन मंगल था हाँ. अब स्त्री है खेल खेल में है हाँ. अक्षय एक तरफ है

I'm, I don't have a. Every film has its own destiny. I think we made a very, very good film. I think that it's the first look has been received with a lot of love. Absolutely, a lot of love. We're sitting here. We're having a. We're having a conversation. I mean, we've given about twenty interviews today. Every single person has turned around and said that they've loved the trailer. Yeah. Right. No so, I mean, I, I think there are twenty more people out there like this, and twenty more people who they know, and twenty more people that they know. I think that's. So, I think it's. It's. It's only a matter of time. Uh, I have no uh, 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 false uh, this thing. It's 3 2 will and deserves to be. Mm. Deservedly, they, are, they mm. are a franchise film. They've mm. done very well. It's a blockbuster. They are the first choice of a film in, on the on on the 15th of August. But we made a good film. That's quite magnanimous of you to say that. No, it's not magnanimous. In, I would not be in the industry if I had not said it. I mean, there mm. are, we, we, whether, it, whether it is Dinesh Vijayan, whether it's myself, whether it's Karan, whether it's Adi. Mm.

लेबर्स ऑफ लव एक साथ आ रहे हैं शायद एक का बिजनेस सफ़र हो सकता है शायद नहीं आपके मन में क्या चलता है मतलब पहली बात तो आई थिंक एक्टर्स मतलब मैं तो सोचता ही नहीं हूँ बिजनेस का आई थिंक आई थिंक मोर इम्पोर्टेंटली कि मैं रिसीव कैसे हो रहा हूँ कैसे okay. so, शर्वरी ने बोला आई थिंक हमारे लिए ये बस एक, एक तरह का शो है जिससे हमें और अपॉर्चुनिटीज mm. मिले mm. और विश्वास मिले यू नो आई थिंक दैट्स दिन मेन गोल एंड ऑनेस्टली उदय भाई सी बात है है अगस्त को दो फिल्में आ रही हैं ठीक है। खड़गपुर का एक लड़का जो मतलब यू you नो know, पूरे देश में कहीं कही कहीं ना घूम घाम के बॉम्बे पहुंचा एक्टर बनने के लिए और ये इस तरह का एक दिन आ रहा है वो भी मतलब नेशनल हॉलीडे बिग क्लैश ये सब मैं सुन रहा हूँ मुझे लग रहा है कि ये मेरे बारे में बात नहीं हो रही है किसी और के बारे में बात हो रही है क्योंकि ये सब हम खबरों में पढ़ते थे यही पढ़ के मतलब रुचि आई है ना इंडस्ट्री में ये फेम ये ग्लैमर ये जो भी मतलब इन्हीं सब चीज़ों से तो निकली है हम लोग कब से देखें कितने सारे क्लैशेज होते हैं लेजेंड ऑफ भगत सिंह एक बार तीन तीन तीन, तीन, तीन फिल्में आ रही थी है तो ना ऐसे ऐसे एंड ऑलवेज यू नो गुड फिल्म्स विल ऑलवेज प्रिवेल अगर कहानी अच्छी है स्टोरी अच्छी है तो आई एम जस्ट फीलिंग लकी आखिरी दो सवाल आप दोनों से <coughs> uh, और 2024 जैसे आप कह रहे हैं बहुत ही बढ़िया है आपके लिए और उम्मीद करते हैं वो सिलसिला जारी रहेगा वेदा के संग भी बट यू ऑल्सो स्टार्टेड शूटिंग ऑलरेडी एक yes. और mm -hmm. अलग प्रोजेक्ट के लिए जी. वो भी इतिहास बनाने वाला प्रोजेक्ट है कि महिला स्पाइस दिखने को मिलेगी वो भी बॉलीवुड में जी बहुत बड़ी बात है जी बिल्कुल अल्फा का शूट शुरू हुआ है और आ, मैं बस इतना कहूँगी कि इट इज़ एन इनक्रेडिबल टाइम टू बी एन एक्टर बिकॉज़ आई थिंक अब ऐसी फिल्में प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स बना रहे हैं जहाँ पे वो दो फीमेल्स स्पाइस पर उनके कंधों पर पिक्चर बना रहे हैं और अगर हम इससे जनरेशन्स को इंस्पायर कर सके तो आई थिंक एज एक्टर्स हमारा काम आई गेस हो जाएगा Okay. और आखिरी सवाल आपसे एक फिल्म के बारे में चर्चाएं तो हो रही हैं मगर दूसरी फिल्म भी आपकी आ गई है उसके बारे में भी खूब चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं और आप पॉलिटिकल कैपिटल में हैं कंट्री के है, तो फ्रीडम एट मिडनाइट पे मैं पूछूंगा कुछ बताइए बहुत ही इंट्रीगिंग लग रही है डॉमिनिकाती है

It's a one, it's like, I mean, I'm I'm, 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 living, a, I'm living the dream here. Yeah. I'm really living a, the dream in the sense that I get to make a film like Veda, which is, uh, which is something that I want to do for a very long time. I get to make a show like Freedom at Midnight and, um, and people are appreciating it, I mean. I, and you hope that everyone watches it regardless of political ideology. क्योंकि एक एक बीजेपी के नेशनल जो आईटी सेल हैं वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को शायद प्रॉब्लम हो सकती है इस फिल्म को लेकर शुड वॉच द शो एवरीबॉडी शुड वॉच द शो एंड दे शुड आई आई थिंक आई डोंट नो अबाउट राइट एंड लेफ्ट आई नो अबाउट बीइंग सेइंग सेइंग दैट आई ट्रूली बिलीव दैट

एक हॉलीडे है और फिर उसके बाद बहुत से हॉलीडेज़ हैं तो बहुत टाइम है जी. लोगों के पास बट आप पहले दिन ही जाइए देखने के लिए टाइम <laughs> मत you. इंतजार करेगा थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग अस एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर वीडा थैंक यू सो मच